कमरे में मौजूद उस बूढ़े आदमी ने अभी अभी जो कुछ प्रिया को बताया था उसे सुनकर कामिनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर कांप उठी थी और उसके हाथ से उसकी पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई थी। प्रिया भी ये सब सुनकर हैरान थी। उसने बूढ़े से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? यानी मेरे डैड ने उस लड़की की जान नहीं ली थी? बूढ़े ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, हाँ ये 100% सच है। मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद ये सब देखा था, बल्कि रणविजय कपूर ने खुद मुझे ये बताया था कि एक लड़की की जान खतरे में है और उसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। ये सुनकर प्रिया ने ईला की तरफ देखा, लेकिन ईला को तो पहले से ही यकीन था कि प्रिया के डैड किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते। उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए प्रिया से कहा, ये हमारी सोसाइटी के सबसे सीनियर और सबसे सम्मानित सदस्य हैं। तुम्हें इनकी बात पर शक नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे डैड के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो एकदम सच है। ईला की इस बात से प्रिया के दिलो दिमाग से सारा शक, सारी उलझन दूर हो गई थी, लेकिन अभी भी वो ये सारी कहानी जानना चाहती थी। उसने उस बूढ़े से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ? बूढ़े ने जवाब में कहा, ये सब क्यों हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब कैसे हुआ ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस दिन मैं उस कार्निवल में ही था, तभी मैंने तुम्हारे डैड रणविजय कपूर को वहां देखा। वो उस वक्त बहुत ही बदहवास और बेचैन नजर आ रहा था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे पूछा कि वो अकेला यहाँ कार्निवल में क्या कर रहा है और इस तरह परेशान क्यों है। जवाब में उसने मुझसे कहा कि एक लड़की की जान खतरे में है और उसे आभास हुआ था वो लड़की इसी जगह पर कहीं है। तब उसने मुझसे मदद के लिए कहा। मैंने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लड़की को ढूंढने में उसकी मदद की। मुझे वो लड़की एक जायंट व्हील वाले झूले पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई दिखाई दी और उस लड़की को देखकर मैं भी समझ गया, ये लड़की बस कुछ ही देर की मेहमान है, इसकी जान जाने वाली है। बूढ़े की ये बात सुनते ही प्रिया के दिमाग में धमाका सा हुआ। बूढ़े की ये बात एकदम सच थी। वो जिस लड़की की बात कर रहा था वो कामिनी की बहन ही थी। कामिनी ने खुद उसे ये सब बताया था। उधर कमरे के बाहर खड़ी हुई कामिनी भी ये सब बहुत ही गौर से सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके अंदर जैसे एक शोर मचाता हुआ सैलाब उमड़ रहा था, क्योंकि ये बूढ़ा हूबहू उसी हादसे का बयान कर रहा था जिस हादसे ने कामिनी की जिंदगी को तबाह कर डाला था। तभी उस बूढ़े ने प्रिया को आगे बताया, मैंने जैसे ही उस लड़की को पहचाना वैसे ही मैंने रणविजय को बताया। रणविजय भी समझ गया यही वो लड़की है जिसके सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। वो फौरन उस लड़की को बचाने की कोशिश में जुट गया। रणविजय इस तरह की रिचुअल करने में बहुत एक्सपर्ट था। वो तमाम सीक्रेट सोसाइटीज में सबसे काबिल था। हम सब उसकी बहुत इज्जत किया करते थे, मगर उस दिन रणविजय की ताकत कमजोर पड़ गई। वो अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी उस लड़की को बचा नहीं पाया। इतना कहकर वो बूढ़ा खामोश हो गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कमरे में मौजूद सभी लोग न केवल खामोश थे बल्कि उनके सर भी झुके हुए थे, जैसे उन सभी को इस हादसे का गहरा अफसोस था। प्रिया एक टक उस बूढ़े को देखे जा रही थी, जबकि खिड़की पर खड़ी हुई कामिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे एक बार फिर से अपनी मासूम बहन की याद आ गई थी और अपने माँ बाप की भी, जो उसकी मौत के गम में चल बसे थे। लेकिन इसी के साथ कामिनी के इन आंसुओं में पश्चाताप के आंसू भी शामिल थे। आखिर वो अब तक प्रिया के डैड को ही अपनी बहन का कातिल समझती आई थी, जबकि वो तो उसकी जान बचा रहे थे। ये कितनी बड़ी भूल थी कामिनी की, और इस भूल की वजह से उसने प्रिया के साथ कितना बुरा सलूक किया था, बल्कि आज तो वो उसे जान से मार डालना चाहती थी। कामिनी का दिल कर रहा था कि वो इसी वक्त जाए और प्रिया के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगे, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत भी कामिनी नहीं जुटा पा रही थी। प्रिया के साथ इतना सब कुछ करने के बाद वो आखिर उसका सामना कैसे करेगी? इससे तो अच्छा ये है कि वो अपनी ये पिस्टल उठाए और खुद को गोली मार ले। वैसे भी उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया था। ये जिंदगी उसे अब एक बोझ लग रही थी, लेकिन मरने से पहले वो ये जरूर जानना चाहती थी कि अगर उसकी बहन की जान प्रिया के डैड ने नहीं ली तो फिर किसने ली है? वो कौन है जिसने कामिनी की हस्ती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया था, और क्यों? और ठीक यही सवाल प्रिया के दिमाग में भी था कि आखिर कामिनी की बहन से किसी की क्या दुश्मनी थी जो उसने उसकी जान ले ली।
मगर ये सवाल प्रिया के बजाय ईला ने उस बूढ़े से पूछा। क्या आप बता सकते हैं कि उस मासूम लड़की की जान आखिर कौन लेना चाहता था और क्यों? बूढ़े ने कहा, उस लड़की की जान उसकी रूह हासिल करने के लिए ली गई थी और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शैतान था। ये सुनकर प्रिया और ईला दोनों सकते में आ गई थी, जबकि कामिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। यानी बरसों पहले ये सब उसी शैतान ने किया था और कामिनी अब तक उसी का साथ देती आ रही थी। ओह, कितना बड़ा धोखा किया गया है उसके साथ, वो शैतान कितना बड़ा चालाक और धोखेबाज निकला। तभी उस बूढ़े ने बहुत ही निराशा भरे लहजे में आगे कहा, वो शैतान उस वक्त उसी कार्निवल में मौजूद था, लेकिन मेरे और रणविजय के अलावा उसे कोई और नहीं देख सकता था। वो शैतान उस लड़की की जान लेने की कोशिश कर रहा था और रणविजय अपने रिचुअल से उस शैतान के हर वार को बार बार नाकाम कर रहा था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि रणविजय का ध्यान एक पल के लिए भंग हो गया और उसी वक्त शैतान ने उस लड़की को मार डाला। वो बेचारी लड़की अपने माँ बाप के साथ कितना खुश थी, उस जायंट व्हील के झूले का कितना मजा ले रही थी वो, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया के सामने अब ये कहानी एकदम साफ हो चुकी थी। यानी उस दिन उसके डैड जो रिचुअल कर रहे थे, वो कामिनी की बहन को उस शैतान से बचाने के लिए कर रहे थे। इस पूरी घटना को नैंसी ने भी देखा होगा, लेकिन उसे लगा होगा कि उसके डैड ने ही कामिनी की बहन की जान ली है और यही बात उसने कामिनी को बता दी होगी। तो बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी के चलते कामिनी न केवल प्रिया की दुश्मन बन गई, बल्कि प्रिया से बदला लेने के लिए वो पहले श्रीनाथ और फिर उसी शैतान के लिए काम करने लगी जो उसकी बहन का असली कातिल है। प्रिया अभी ये सब सोच रही थी कि तभी ईला ने उस बूढ़े से पूछा, और उसके बाद क्या हुआ? बूढ़े ने जवाब दिया, जैसे ही वो लड़की झूले से नीचे गिरी वैसे ही रणविजय ने अचानक एक दूसरा रिचुअल किया और उसके फौरन बाद वो वहां से भाग गया। मैंने देखा कि वो शैतान भी बहुत ही गुस्से से रणविजय के पीछे भागा, लेकिन रणविजय उसके हाथ नहीं लगा। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, इन सब की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस पर ईला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन आपने ये सब बातें अपनी सोसाइटी के किसी भी मेंबर्स को क्यों नहीं बताई? अब बूढ़े ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आज भी मैंने ये सब बातें अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को नहीं बल्कि प्रिया को बताई है, क्योंकि वो रणविजय कपूर की वारिस है और अपने बाप के बारे में ये सब जानने का उसे हक है। ईला ने अब और कुछ नहीं पूछा। तभी मिस्टर सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर रणविजय कपूर सचमुच एक महान इंसान थे, काश वो अभी जिंदा होते तो हम सबको यूं उस शैतान से डरकर किसी महफूज जगह पर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे अब बदला नहीं जा सकता। हम सब यही दुआ करेंगे कि प्रिया को उस शैतान की ये तबाही रोकने में कामयाबी मिले। इसी के साथ उन्होंने अपनी कलाई में से एक ब्रेसलेट उतारा और ईला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ईला, अब हमारे पास सिर्फ ये एक आखिरी शक्ति बची हुई है जिसे हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। अगर तुम और प्रिया उस तीसरी जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गई तो वहां ये ब्रेसलेट तुम्हारी काफी काम आ सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना। मिस्टर सिंह को अपनी इतनी परवाह करते देख ईला काफी भावुक हो उठी थी, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उसने वो ब्रेसलेट लेकर अपनी कलाई में पहना और इसके बाद अपनी सोसाइटी के सभी सदस्यों से विदा लेकर वो प्रिया के साथ उस मकान से बाहर चली आई। कामिनी भी अब फौरन उस खिड़की के पास से हट गई। फिर वो मकान की बाउंड्री वॉल को कूद कर बाहर गली में आ गई। थोड़ी ही दूरी पर उसे ईला और प्रिया जाती हुई नजर आई। कामिनी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने धीमे से बुदबुदाते हुए कहा, मैं तो अब इस लायक भी नहीं हूँ प्रिया कि तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांग सकूं। लेकिन हाँ, अब शैतान से मुकाबला करने में तुम और ईला अकेली नहीं हो, बल्कि मैं भी अब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। अपनी बहन की मौत का बदला मैं उस शैतान से लेकर ही रहूंगी। उधर इंस्पेक्टर कश्यप तेजी से अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ डॉक्टर सक्सेना के घर जा रहा था। साथ में उसका असिस्टेंट भी था, जो अभी तक इस बात पर हैरान था कि आखिर कश्यप को ये हो क्या गया है। बहुत देर तक तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कश्यप से कोई सवाल पूछ सके, लेकिन फिर जब वो अपने आप को रोक ना सका तो उसने पूछा, सर, ये आखिर अचानक आप डॉक्टर सक्सेना के घर क्यों जा रहे हैं?
वहाँ हमें क्या मिलने वाला है? डॉक्टर साहब तो अब इस दुनिया में है नहीं, उनकी मौत के पीछे की असली वजह भी पुलिस को अभी तक पता नहीं चल सकी है। बस इतना ही पता चला है कि एक दिन प्रिया मैम उनसे मिलने गई थी तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया था। अब मेडिकल रिपोर्ट में भी यही आया है कि उनकी मौत सडन हार्ट फेल से हुई थी। तो फिर अब हम वहाँ क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं सर? लेकिन कश्यप ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए उससे एक सवाल किया कि डॉक्टर सक्सेना के घर को पुलिस ने अभी तक सील किया हुआ है ना? असिस्टेंट ने जवाब दिया, जी हाँ सर, लेकिन उसका अब कोई फायदा नहीं है। पुलिस ने वहाँ बहुत माथा पच्ची कर ली लेकिन कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज वहाँ से नहीं मिली है। और सर, डॉक्टर सक्सेना का कोई वारिस भी नहीं है, उनका घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हमें कुछ करना चाहिए सर। मगर कश्यप ने फिर से उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, यानी डॉक्टर सक्सेना के घर में रखी हुई हर चीज अभी भी वहाँ सही सलामत होगी, यानी वो नक्शा भी वही होगा? असिस्टेंट ने चौंकते हुए पूछा, नक्शा? कौन सा नक्शा सर? लेकिन कश्यप ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। असिस्टेंट के पास अब चुप बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं था। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर सक्सेना के घर पहुंच गए। इस घर को पुलिस ने सील किया हुआ था क्योंकि पुलिस को संदेह था कि डॉक्टर सक्सेना की यूं अचानक मौत के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि इस केस को भी पहले कश्यप ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे तब तक कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन आज कश्यप यहाँ किसी और वजह से आया था। जब उसने श्रीनाथ की उस पेन ड्राइव को चेक किया था तो उसके भीतर मौजूद आदित्य को ये यकीन हो गया था कि उस तीसरी जगह का असली नक्शा डॉक्टर सक्सेना के ही पास है। डॉक्टर सक्सेना के घर पर इस वक्त दो पुलिसकर्मी तैनात थे। असिस्टेंट के कहने पर उन्होंने फौरन सील बंद ताले को खोल दिया। कश्यप असिस्टेंट को लेकर सीधा डॉक्टर सक्सेना की स्टडी रूम में दाखिल हो गया। यही वो जगह थी जहां प्रिया पहली और आखिरी बार डॉक्टर सक्सेना से मिली थी। तब वो अपनी सहेली पायल के साथ यहां आई थी। उस वक्त डॉक्टर सक्सेना प्रिया को इशारे ही इशारे में कुछ समझाना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही उनकी जान चली गई थी। लेकिन कश्यप इस स्टडी रूम को किसी और ही नजरिए से देख रहा था। दरअसल श्रीनाथ के उस पेन ड्राइव में कश्यप ने दो लोगों को जिस टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए देखा था वो टेबल यही डॉक्टर सक्सेना के स्टडी रूम में ही था, यानी वो फोटो इसी जगह का था। फोटो में नजर आ रहे उन दोनों लोगों में एक डॉक्टर सक्सेना थे और एक था श्रीनाथ का बाप यानी मिस्टर राय। कश्यप अब इस स्टडी रूम को बहुत ही गौर से देखने लगा। यहाँ का सारा सामान वैसे का वैसा रखा हुआ था लेकिन टेबल पर कोई कागज वगैरह नहीं था। हाँ, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर रखे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा, श्रीनाथ की पेन ड्राइव में वो फोटोग्राफ बहुत पुराना था लेकिन वो कागज जो मैंने देखा था वो अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ा और टेबल की सभी ड्रॉर्स एक एक करके खोलने लगा। ये देखकर असिस्टेंट ने कहा, अरे सर, इन दराजों को तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, यहाँ कुछ भी हमारे काम का नहीं है। लेकिन कश्यप ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो टेबल के उन ड्रॉर्स में रखी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। वहाँ उसे बहुत से कागजात भी दिखाई दिए लेकिन उनमें नक्शे जैसी कोई चीज उसे नजर नहीं आई। उसे थोड़ी निराशा होने लगी। तभी असिस्टेंट ने उससे फिर कहा, सर, आखिर मुझे भी तो बताइए कि आपको क्या चाहिए। कश्यप ने अब थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मुझे एक नक्शा ढूंढना है। चलो अब तो तुम भी यहाँ कोई ऐसा कागज तलाश करो जिस पर एक नक्शा बना हुआ हो। ये सुनकर असिस्टेंट एक पल के लिए हैरान रह गया लेकिन फिर अगले ही पल वो भी कश्यप के साथ साथ उस नक्शे को ढूंढने में जुट गया। उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर सक्सेना के स्टडी रूम को पूरा छान मारा लेकिन कोई भी ऐसा कागज उन्हें वहाँ नहीं मिला जिस पर एक नक्शा बना हुआ हो। असिस्टेंट ने थोड़े थके हुए लहजे में कहा, आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है सर, डॉक्टर सक्सेना के पास कोई नक्शा नहीं है, होता तो वो हमें पहले ही मिल जाता। लेकिन कश्यप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि वो नक्शा डॉक्टर सक्सेना के पास ही है। इस पर असिस्टेंट ने कहा, तो फिर उन्होंने किसी दूसरी जगह पर छुपा कर रखा होगा। अब असिस्टेंट की ये बात कश्यप को सही लगी, आखिर वो तीसरी जगह पर जाने का नक्शा था तो उसे डॉक्टर सक्सेना ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने उसे जरूर किसी महफूज जगह पर छुपा कर रखा होगा। लेकिन कहाँ, वो आखिर कौन सी जगह हो सकती है? कश्यप अब फिर से उलझन में फंस गया। तभी असिस्टेंट ने कहा, मेरा ख्याल है सर, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही होगी।
कश्यप ने अब हताश होते हुए कहा, ठीक है चलो। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर सक्सेना की स्टडी से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी कश्यप की नजर टेबल पर रखे हुए एक पेपरवेट पर पड़ी। उस पेपरवेट पर एक स्टार यानी सितारा बना हुआ था। कश्यप अब रुक गया और गौर से उस पेपरवेट को देखने लगा। फिर उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने वो पेपरवेट उठाया और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। पेपरवेट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, लेकिन इसी के साथ उसमें से एक कागज का पुर्जा निकलकर बाहर आ गया।